पैसा, पार्टीज, शराब और खूबसूरत हसीनाएं, ये सब मेरी कमजोरियां हैं और मैं इनके बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, लाइंस हैं दुनिया के सबसे बड़े प्लेबॉय की। एक होता है अय्याश, एक होता है बहुत अय्याश, और फिर आता है दुनिया के सभी अय्याशों का बाप, द गॉडफादर ऑफ अय्याशी। दोस्तों, जिस बंदे के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसके जैसा लाइफस्टाइल शायद दुनिया का हर मर्द जीना चाहेगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हर वक्त खूबसूरत मॉडल्स और पोर्न स्टार्स के साथ घिरा रहता है। इसके लिए खाना भी मॉडल्स ही बनाती हैं और इसे खाना खिलाती भी खूबसूरत मॉडल्स ही हैं। ये नहाता भी खूबसूरत मॉडल्स के साथ हैं और सोता भी उन्हीं के साथ है। अमेरिका की हॉलीवुड हिल्स में ये एक 28,000 स्क्वायर फीट के आलिशान मेंशन में रहता है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जाती है दोस्तों। और यहाँ पर इनके पड़ोसी भी कोई छोटे मोटे नहीं है। इनके पड़ोसी हैं टाइटैनिक मूवी के हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो। इसके पास 27 अल्ट्रा लग्जूरियस कार्स हैं, जिसमें मैकलेरन F1, जी वैगन 6x6, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT, शेल्बी कोबरा 65 और रेंज रोवर जैसी कार शामिल है। घर में 3 इन्फिनिटी पूल है, पोकर रूम है, 7 पर्सनल बार्स हैं, एक मूवी थिएटर है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, आउटडोर गेम्स का गार्डन है, 12 आलिशान रूम्स हैं, 23 बाथरूम है, और भी पता नहीं क्या क्या यार। ये एक पार्टी एनिमल है जो लगभग हर रोज ही पार्टी करते हैं। कई बार तो ये अपनी सिर्फ एक पार्टी में ही $1 million तक खर्च कर देते हैं। कहा जाता है कि ये कटिंग करवाते हैं एक हाई क्लास मॉडल एंड स्टाइलिस्ट से, जो कि कम्प्लीटली न्यूड होकर इनकी कटिंग एंड ट्रिमिंग करती है। और ये जो कुछ भी करते हैं, ये सब कुछ का मतलब वो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड भी करते हैं। तो यार, जानना नहीं चाहोगे कि कौन है ये बंदा, कहां से है इसके पास इतना सारा पैसा? दोस्तों, इस बंदे का नाम है डैन बिल्जेरियन। डैन पैदा हुए थे 7 December 1980 को फ्लोरिडा, USA में। इनके फादर मिस्टर पॉल बिल्जेरियन एक सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर डिमांड मुंह पे आते ही पूरी हो जाती थी, जिस वजह से डैन को बचपन से ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई थी। पर एक चीज जो उसे कभी नहीं मिली थी, वो था अपने पेरेंट्स का टाइम और उनका प्यार। और ये बात डैन ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी और कहा था कि मुझ पर बचपन में पेरेंट्स ने कभी भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मेरी डिमांड्स पूरी की गई, और शायद इसी वजह से लाइफ को लेकर मेरा नजरिया और टेम्परामेंट पूरी दुनिया से अलग है। डैन जब थोड़े बड़े हुए तो उनके फादर टैक्स फ्रॉड के इल्जाम में जेल चले गए। डैन उस वक्त स्कूल में पढ़ा करते थे। उनके फादर एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे और इसी वजह से उन्हें तरह तरह की बंदूकों का शौक था। उनके घर में बहुत सारी गन्स की कलेक्शन मौजूद थी, जिसमें से एक राइफल को एक दिन डैन अपने साथ स्कूल ले गए ताकि दूसरे बच्चों के सामने उसका शो ऑफ कर सकें। लेकिन स्कूल टीचर्स को यह बात पता चल गई और डैन को स्कूल से निकाल दिया गया। डैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो स्कूल तो छोड़ो, शहर छोड़कर ही चले गए। अपने डैड की तरह डैन को भी गन्स का बहुत शौक था और वो भी आर्मी में जाने का प्लान करने लगे। कहते हैं कि स्कूलिंग के बाद डैन ने नेवी की भर्ती में पार्टिसिपेट किया और इसके लिए वो सिलेक्ट भी हुए, लेकिन अपने जिद्दी और नो कॉम्प्रोमाइज वाले लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही निकाल दिया। इसके बाद डैन ने सोचा कि क्यों ना कॉलेज लाइफस्टाइल के मजे लिए जाएं, और इसी इरादे से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में बिजनेस एंड क्रिमिनोलॉजी ब्रांच में एडमिशन ले लिया। और अपने कॉलेज डेज के दौरान ही डैन को ऑनलाइन पोकर के बारे में पता चला। पोकर ताश के पत्तों की एक गेम है, जिसे मेजरली दुनिया भर के जुआरी लोग जुआ खेलने के लिए यूज करते हैं। डैन को जब पता चला कि इस गेम में पैसे लगाकर वो और ज्यादा पैसे बना सकते हैं, तो उन्होंने इसमें अपनी किस्मत आजमाने की सोची और बिना एक्सपीरियंस और बिना लर्निंग के हीरो बनने का अंजाम ये हुआ कि 2-4 दिन में ही डैन के सारे पैसे जीरो हो गए और हालात यहाँ तक आ गए कि उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं बचे। एज ए रिजल्ट, उन्हें अपने फादर की यूनिक गन्स और राइफल्स की कलेक्शन को सिर्फ $750 में बेचना पड़ गया। लेकिन इस वक्त तक डैन की ईगो पूरी तरह से हर्ट हो चुकी थी, और उसी दिन वो ये $750 लेकर एक लोकल पोकर क्लब में घुसे और सारा पैसा पोकर में लगा दिया। पर इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और गेम एंड होने तक उन्होंने उस $750 से $10,000 बना डाले, और उन्होंने कॉलेज को लास्ट ईयर में ड्रॉप कर दिया और फ्लाइट लेकर अगले ही दिन बड़े लेवल पर पोकर खेलने के लिए लास वेगस चले गए। और अब इनका इरादा कुछ बड़ा धमाका करने का था। बात है 2009 की वो एक रात, जिसने डैन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, जब वो $9,000 लेके एक पोकर के क्लब में घुसे और सुबह जब बाहर आए तो उनके पास थे $1,16,000। पोकर में वो इतने माहिर हो गए कि 2013 में वो $1,00,000 लेके एक पोकर क्लब में गए और जब बाहर आए ना तो उनके पास थे पूरे $10.8 million। एक ही रात में मिलियनेयर बनने वाला ये बंदा जुए की दुनिया का बेताज बादशाह है। लगभग $250 million का मालिक है और इंस्टाग्राम पर तो इस बंदे का स्वैग ही अलग है। ये अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल के सभी फोटोज और वीडियोस को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और दुनिया भर से 33.5 million यानी 3,35,00,000 लोग इन्हें इंस्टा पर फॉलो करते हैं। पोकर के अलावा ये कंपनी के मालिक भी हैं, जिसका नाम इग्नाइट इंटरनेशनल है। ये कंपनी सिगार, वुड का, बियर, अंडरगारमेंट्स और प्रीमियम परफ्यूम्स का बिजनेस करती है।
रात रात भर पार्टीज, नशे, लड़कियां, सेक्स, इन सब की वजह से इस बंदे को सिर्फ 32 साल की उम्र में ही 3 बार हार्ट अटैक भी आ चुका है दोस्तों। इन सब के साथ साथ ही ये 7 हॉलीवुड मूवीज में भी काम कर चुके हैं, जिनमें लोन सर्वाइवर, एक्सट्रैक्शन और द अदर वुमेन जैसी मूवीज भी शामिल हैं। इनके बारे में कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये सभी रोल्स इनको मूवीज में इसलिए मिले हैं क्योंकि इन्होंने इसके लिए प्रोड्यूसर्स को पैसा खिलाकर अपने लिए रोल मांगे। खैर सच तो भाई इनको ही पता होगा, पर जहां तक बात है इनके ओवरऑल लाइफस्टाइल की, तो भाई इस बंदे को हम राजा बोलें तो गलत नहीं होगा। एंड जो भी बॉयज एंड जेंटलमैन इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर तुम्हारे मुंह में तो पानी आ गया होगा यार अब तक इनका लाइफस्टाइल देखकर, और स्पेशली इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर, है ना। वीडियो लाइक कर दो यार, शायद मुराद पूरी हो जाए। दोस्तों काम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा ताकि हम और अच्छा काम आपके लिए लेकर आ सकें। जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा कैश।